अगर आपका टारगेट है टू क्रैक बैंक एग्जाम्स तो आप आए हैं सही जगह पर। स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स यूजुअली सबसे टफ सब्जेक्ट होता है, बट विद माय एक्सपर्टीज आई विल इंश्योर दैट यू एस मैथ्स लाइक अ प्रो। बस आप मेरी लाइव क्लासेस को अटेंड करिए एंड फॉलो अप योर प्रिपरेशन विद प्रैक्टिस। मैथ्स एस करने के लिए आपको चाहिए राइट माइंडसेट एंड गाइडेंस। इन दिस जर्नी टू क्रैक इट आई विल बी योर गाइड। आवाज आ रही है? ठीक है। एक मिनट, ठीक है, चलिए। हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है अरुण सिंह रावत और आप सभी लोगों का आज के सेशन में मैं करता हूं स्वागत। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जी हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आज के इस बेहतरीन सेशन में, जहां पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक ऐसा टॉपिक जिस पर आप कंफ्यूज रहते हैं बहुत ज्यादा। और जी हां, उस टॉपिक का नाम है अप्रोक्सीमेशन। सिंप्लीफिकेशन हमारा हो चुका है ओवर। कल मैंने काफी सारे सवाल आप लोगों के साथ शेयर किए थे और अब बारी आ चुकी है एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की जिस पर 5 क्वेश्चन बनते हैं और वो बनते हैं पीओ एग्जाम में। हां जी, अगर आप SBI पीओ का एग्जाम देंगे, RRB पीओ का एग्जाम देंगे, IBPS पीओ का एग्जाम देंगे, ECGCPO, तो आप 5 क्वेश्चंस अपने तैयार रखिए इस टॉपिक से। तो एक बार जरा फटाफट से कर दो शेयर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम बच्चा हमारे साथ आ जाए, फिर मैं कॉन्सेप्ट इसका शुरू करूं। जल्दी से शेयर कर दो भाई, फटाफट से, टाइम कम लगेगा क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा है और आज हमारा 8वां दिन है। और आपको लग रहा होगा कि अभी तक अरुण सर काफी कंसिस्टेंट रहे हैं, क्लासेस मेरी टाइम पर हो रही, आज थोड़ा सा डिले हो गया, बट क्लासेस आपको हमेशा मेरी मिलती रहेंगी। अब भैया, मैंने आपसे पहले भी बोला था और अब फिर से कह रहा हूं कि क्लासेस मेरी टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेंगी, क्लासेस में अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है सर, एक बार जल्दी से बोलो, क्लासेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस एक बार फटाफट से ना शेयर कर दो, क्योंकि 1 सेकेंड लगेगा शेयर करने में। चलो शुरू करते हैं, फटाफट से शुरू करते हैं दोस्त। शुरू किया जाए। चलो, अर्थमेटिक को लेके बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, तो मैं आपको फिर से बता दूं कि अर्थमेटिक का जो फ्री क्लास है वो मंडे, वेडनेसडे, ठीक है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, ये 3 दिन होता है अन अकेडमी स्पेशल फ्री क्लास। टाइमिंग है इसकी 7 PM, तो 7 बजे अनअकैडमी स्पेशल पर होता है। और भाई साहब, TTS में मेंस की क्लास होती है, TTS में मेंस क्लास होती है, ठीक है। तो MWF में अनअकैडमी स्पेशल क्लास होती है और TTS में स्पेशल क्लास होती है। दूसरा, अगर आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जो बुक को लेकर प्रॉब्लम कर रहा है तो उसका जवाब मैं लास्ट में दूंगा। तो शुरू करें, चलो शुरू करते हैं। अर्थमेटिक के बारे में बता दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 7 बजे अनअकैडमी फ्री क्लास पे होता है, TTS में मेंस क्लास होती है। बाकी हम लोग 3 महीने में कोशिश कर रहे हैं कि पूरा का पूरा सिलेबस 3 महीने में कंप्लीट करें। तो 3 महीने में सबसे पहले हमारा स्पीड मैथ्स चल रहा है, आप बताइएगा। देखो, वैदिक मैथ्स हो गया, हाँ या ना बोलो। कैलकुलेशन टेक्निक पर मैंने 4 क्लासेस ली थी, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट हो गया है, टेबल्स हो गई हैं हमारी 1 से लेकर 100 तक मैंने बताई थी, मैथ्स बाय अरुण सर चैनल पर आप जाके देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा मैथ्स बाय अरुण सर यूट्यूब चैनल, तो यहां पर आपको ये टेबल्स मिल जाएंगी।
फ्रैक्शन वैल्यू हो चुका है, सिंप्लीफिकेशन, और आज हमारा अप्रोक्सीमेशन डन हो जाएगा। तो स्पीड मैथ्स के हमारे ये सारे के सारे टॉपिक कवर हो गए, 1, 2, 3। तो नेक्स्ट वीक हम लोग क्वाड्रेटिक को फिनिश कर देंगे। जो नेक्स्ट आने वाला वीक होगा उस नेक्स्ट वीक में हम लोग ये 3 टॉपिक शुरू कर देंगे, और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे डीआई की तरफ, टेबुलर, बार, लाइन, सिंगल, डबल, रेडार, केसलेट और ये सब। तो उसके बाद फिर हम लोग इस पे चलेंगे, और देन फिर चलेंगे हम लोग अर्थमेटिक चैप्टर वाइज। शुरू किया जाए, जिसकी आज पहली क्लास है वो भी समझ गया होगा कि हाँ सर कैसे पढ़ाएंगे, पुरानी क्लासेस को रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। चलो शुरू करते हैं। आज जो मैं आपके बीच में लेकर आया हूं, आज जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है अप्रोक्सीमेशन। जी हाँ, अप्रोक्सीमेशन क्या होता है पहले तो ये समझते हैं। आपने बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा इस टॉपिक के बारे में, अप्रोक्सीमेशन। इस टॉपिक के बारे में अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है लगभग मान, यानी कि लगभग मान। लगभग मान का मतलब क्या हुआ, कौन बताएगा? लगभग मान का मतलब क्या हुआ? लगभग मान मतलब एक ऐसा मान जो अप्रोक्सीमेट है। कैसे? आइए, मैंने लिखा 48.94 को अप्रोक्सीमेटली 49 काउंट करेंगे इस तरीके से। बहुत दूर दूर के नहीं होते, 56.84 इसको 57 काउंट करेंगे अप्रोक्सीमेट। कहीं पे लिखा है 20.14%, तो इसको लिखेंगे 20%। गॉट इट? हमें क्या करना है, हमें नंबर को राउंड फिगर में लेके जाना है। मैं बता देता हूं, हमें नंबर को राउंड फिगर में कैलकुलेट करना है, राउंड फिगर में कैलकुलेट। अब आप कहोगे कि सर मान लीजिए कि अगर पॉइंट ऐसा आ गया, सपोज कीजिए 22.45, तो इसको राउंड फिगर में 22.5 ले लेंगे इसको, ठीक है? जो आधा होगा उसको आधा लेके ही ट्रीट किया जाएगा, उसको एक मत बनाइएगा। 0.5 से ऊपर हो तो एक लेते हैं, बट सपोज कीजिए कि ऐसा आ गया, मान लीजिए आपसे मैंने पूछा 54.55 आ गया एग्जांपल, तो अब क्या करेंगे, इसको 54.5 ही लिया जाएगा, ठीक है? तो इस पे घबराना मत भाई। ये वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ, आया ना? बोलो सर, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। तो पहला क्या होगा, राउंड फिगर कैलकुलेशन आपको रखनी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर मैं बताऊं आपको, दूसरा पॉइंट, राउंड फिगर कैलकुलेशन के बाद बॉड मास फॉलो होगा, बॉड मास फॉलो होगा, और तीसरी कैलकुलेशन है जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट। मैंने क्या कहा, राउंड फिगर कैलकुलेशन, बॉड मास फॉलो होगा, ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ सिंप्लीफिकेशन, ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ सिंप्लीफिकेशन, कि सिंप्लीफिकेशन के सारे कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किए जाएंगे, ठीक? ये वाला पॉइंट क्लियर है? तो मैंने दो बातें आपको बोली कि बॉड मास फॉलो होगा, बॉड मास पता ही आप सब लोगों को क्या होता है जिसने पढ़ा है मेरे साथ, और ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ सिंप्लीफिकेशन। तो ये तीन चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। बॉड मास होगा, सारे के सारे सिंप्लीफिकेशन वाले कॉन्सेप्ट से, और बाकी आपका ये बॉड मास फॉलो होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक बार जल्दी से फटाफट से शेयर कर दीजिए, बच्चे बहुत कम आए हैं भाई, कहाँ रह गए सब लोग? आज बहुत कम बच्चे आए हैं, मैं देख रहा हूं। एक बार शेयर कर दो फटाफट से। एक एक शेयर करो जल्दी जरा, कमेंट सेक्शन में एक बार सारे के सारे रिस्पॉन्स करो। हाँ सर, हाँ जी, कमेंट पे एक बार सब लोग जवाब दीजिए, एक बार शेयर करो। सबने शेयर कर दिया कि नहीं किया पहले ही बताओ, सबने शेयर कर दिया? सबने शेयर कर दिया भाई, बताओ हाँ या ना? चलो शुरू करते हैं, आ जाओ। पहला सवाल आपके सामने ये रहा, पहला क्वेश्चन। अब देखिए, मैं एक क्वेश्चन में करवा दे रहा हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाए कि करना कैसे होता है, ठीक है? अब देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने जैसे कि ये रहा, 35.05,
तो 30.05 का मतलब अप्रोक्सीमेट 30%, ठीक है, ऑफ इसको अप्रोक्सीमेट क्या लिखेंगे 599,600 प्लस इसको अप्रोक्सीमेटली 12 क्वेश्चन मार्क को एक्स लिख लो अप्रोक्सीमेटली 360। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं है? अब देखो परसेंटेज दो जीरो काट देगा, 6 × 3 = 18, 180 प्लस 12 × x, वही जो काम सिंप्लीफिकेशन में किया, यहां फेंक दो तो कितना हो जाएगा 0, 16 में से 8 गया 8 और 180, 12 से डिवाइड किया x = 15। तो आप मुझे बताइए कि अप्रोक्सीमेशन में कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ यार ये चीज तो बहुत टफ जा रही है, कुछ ऐसा जो लग रहा है कि नहीं ये तो आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है शायद, कुछ ऐसा जो आपको लग रहा है? कुछ नहीं, मैंने आपसे बोला, मैंने कहा क्या राउंड फिगर में कैलकुलेशन है, जैसे इसको राउंड फिगर में ये लिया, इसको राउंड फिगर में ये लिया, इसको राउंड फिगर में ये लिया, इसको राउंड फिगर में। जो बच्चे मेरे साथ अरुणोदय बैच में पढ़ते हैं उनका रिवीजन हो रहा है, उनको रिवीजन हो रहा है ना कि हाँ यार 5 नंबर का टॉपिक है, पीओ में आता है, मैं फिर से बता दूं। ठीक है, नेक्स्ट आइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पहले सॉल्व करवा दे रहा हूँ फिर आपको दूंगा। अब देखो 40.05, तो अप्रोक्सीमेट 40% लिखा जाएगा, ठीक है, आपने क्या कहा 40% ऑफ अप्रोक्सीमेट 230 माइनस ये अप्रोक्सीमेट 15% ऑफ ये 100 हो जाएगा और ये इंटू 4 हो जाएगा और दिस इज इक्वल टू एक्स। नेक्स्ट स्टेप में चाहो तो आंसर बना सकते हो, तो 0 से 0 44 का 23 92 माइनस 400 का 15% 60, भाई ये हो जाएगा 400 और इसका 15% 60 माइनस किया, डन। एक बार कमेंट सेक्शन पे बताइए सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी से बोलिए। मैं फिर से कहूंगा दे आर नॉट वेरी टफ क्वेश्चन, आसान है, इजी है, बस एक चीज का ख्याल रखना है, वो है सिंप्लीफिकेशन के कॉन्सेप्ट, बॉर्ड मास के कॉन्सेप्ट्स, और कुछ भी नहीं। मतलब इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको लगे कि हाँ यार ये तो कुछ अलग चीज अरुण सर बता रहे हैं, नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन जैसा ही ये सवाल बनेगा। ठीक है, शेयर कर दिया सबने, चलो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हैज कम। अब ये वाले सवालों से आपको मैं ट्राई करने के लिए दूंगा, चलिए आप ट्राई कीजिए, आ जाओ और फटाफट से लाइक कर दो वीडियोस को जो लोग अभी देख रहे हैं। मैक्स टू मैक्स इसमें 30 सेकेंड्स लगेगा, ठीक है, इससे ज्यादा टाइम आप अगर दे रहे हैं तो नुकसान है। देखो काफी लोगों ने तो आंसर निकाल भी दिया है, देखो अप्रोक्सीमेट ये कितना लिख सकता हूं, डायरेक्टली कर रहा हूं, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 25% 1/4, अप्रोक्सीमेट 30% तो 3/10, अप्रोक्सीमेट 40% 2/5 और दिस इज 1000 बराबर 20% 1/5 × x। देखो 2 × 2 = 4, 5 × 2 = 10 और 10 100, 2 जीरो काट देगा तो 5 × 3 = 15, 150। आप मुझे बस ये बताओ कि सर लेवल ऑफ डिफिकल्टी कैसी लग रही है आपको, मैं लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे बात करना चाहता हूँ कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी इजी है कि टफ है। नेक्स्ट चलो आ जाओ, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, आज हमारा अप्रोक्सीमेशन खत्म हो जाएगा बच्चे। इस पर एक काम करूंगा, कल एक टेस्ट प्लान कर लूंगा, ठीक है, आ जाओ।
12 अप्रोक्सीमेट इंटू एक्स, दिस इज अप्रोक्सीमेट 600 माइनस 35% ऑफ 1200, तो 35 इंटू 12, 12 तीन 36, 12 पंजे 60, तो इसको जोड़ के वही सिंप्लीफिकेशन 420 और ये 300। अब देखो 600 में से 420 गया 80, 180 यहाँ फेंक दिया 120, तो दैट इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स, आंसर हो जाएगा 10। इजी है कि हाँ या टफ है बताओ, एक बार सारे बच्चे मुझे बताओ कि ये टफ लग रहा है कि इजी लग रहा है आपको, इजी लग रहा है ना, ठीक है। नेक्स्ट एक और आओ, हो गया इतना टाइम, बहुत टाइम दे रहे हो आप लोग, यू आर टेकिंग बहुत टाइम। आ जाओ देखो, दिस इज 245 प्लस दिस इज 625 माइनस दिस इज 345 और प्लस 25 चका 100 कर लो सीधा सीधा और बराबर एक्स स्क्वायर। सी अगले स्टेप में आंसर है, देखो कैसे। अब देखो 5 और 5 10 में से 5 गया भाई, 5 10 में से 5 गया 5 हुआ, 4 2 6 में से 4 गया 2, 2 और 6 8 में से 3 गया 525 और 100, तो इट बिकम 625। 625 किसका होता है, 25 का। भाई साहब अप्रोक्सीमेशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मुझे बस ये बताओ। हाँ सर समझ में आ रहा है अप्रोक्सीमेशन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, तो जितने भी लोग पीओ की तैयारी कर रहे हैं 5 नंबर आपके पक्के हैं ये वाले। हो गया, टाइम ज़्यादा मत लीजिए, बहुत कम टाइम लीजिए। देखिए 20.18 अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑफ 250 प्लस 24.88 मतलब 30% ऑफ 200, सीधा सीधा ये में। अब देखो 20% परसेंट दो जीरो काट देगा 25 दूनी 50, परसेंट दो जीरो काट देगा 30 दूनी 60, विच मीन्स 110। हाउस दैट, ऑप्शन नहीं है तो नियरेस्ट ऑप्शन 100 मार्क कर लेंगे। कई बार ऐसा भी होगा कि आपका आंसर, सॉरी ये 25 है, माफ कीजिएगा 25 इंटू 200 तो 50 ही होगा, सॉरी। कई बार ऐसा भी होगा कि जैसे मान लीजिए 110 आया तो ज्यादा दिखाई दे रहा, तो आप नियरेस्ट भी चेक कर सकते हो, ठीक है, कई बार ऐसा होगा। चलो नेक्स्ट आ जाओ, थोड़ा सा बॉर्ड मास फॉलो होगा, ज्यादा नहीं।
हो गया, इजी था, बहुत टफ नहीं था। आ जाओ देखो आपने क्या काम करना है, बॉर्ड मास क्या बोलते हैं पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो 989 को 990 कर दो, दिस बिकम्स 15, ये ब्रैकेट हो गया। फिर जो डिवाइड आएगा दैट इज 11.25, अब इसको क्या करें, 11.25 को 11 रखते हैं यार, है ना, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, इस तरीके से 11 रखते हैं और दैट इज इक्वल टू एक्स परसेंट है और डिवाइड 1.88 को 1/2, सही है। अब देखो 11 से मैंने काटा 9, 15 से मैंने काटा 6, तो आंसर कितना हो गया, 6 × 12 = 1200। गॉट इट? तो इसमें इतना कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे कि बच्चों ने कहा कि सर 11.25 को क्या ले, तो अप्रोक्सीमेशन है भाई, 11 रख लो, अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन से ज्यादा इजी होता है, इस वजह से अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चंस आपके पीओ में आते हैं, इससे ऊपर नहीं आते। अब खुश नसीब है कि आईबीपीएस पीओ में सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन आता है, तो 5 नंबर अगर मैं ये कहूं तो फ्री के हैं ये। चलो नेक्स्ट, हो गया। आओ देखो 5% ऑफ 12 मतलब 5% ऐसे कर लो, फिर आपने कहा ये 12% है ऐसे कर लो, फिर आपने कहा ये 15% है अप्रोक्सीमेटली ऐसे कर लो, और ये आपका 300 है, सही है, और ये x डिवाइड में 90 मतलब 100 कर लो, इस 100 ने ये 100 काटा, 0 ने 0 काटा, 5 ने 20 काटा, 5 से 3, 5 से 4, 4 से 3, 3 तीया 9 तीया 27, बोलो हाँ या ना सर, इजी लग रहा है कि टफ लग रहा है, कमेंट फास्ट एवरीवन, जल्दी से जवाब चाहिए मुझे आप लोगों का, इजी है। नेक्स्ट आइए, चलो सबाश एक और, आज हम लोग इसको फिनिश कर लेंगे, नेक्स्ट वीक से फिर कुछ और शुरू करेंगे, नेक्स्ट वीक से हमारा सीरीज क्वाड्रेटिक चलेगा फिर, ठीक है। हो गया, आओ इजी था, देखो ये हो जाएगा 65%, ये हो जाएगा 240 माइनस 13% ऑफ 1200। अब नंबरों को कट करो, तो आपने क्या कहा, देखो 5 से काटा 13 बार, 5 से काटा 0 से 0, 2 से काटा 1 और 2, 12 × 13 = 156, काम वही करना है जो आप पहले से करते हैं, 13 × 12 = 156, तो इसका आंसर 0 हो गया। कमेंट फास्ट एक बार जल्दी से बोलिए, एक बार मुझे आप थोड़ी सी बात करनी है, अब यहां तक अभी हमारे 9-10 सवाल हो गए हैं, अब तक जो आपने अप्रोक्सीमेशन पढ़ा कैसा फील किया आपने, पहले तो मैं यही जान लूं फिर आगे चलूंगा, अभी तक के अप्रोक्सीमेशन में कैसा फील किया आपने, इजी है टफ है, कैसा फील किया अभी तक के अप्रोक्सीमेशन में, सर ये चीज बहुत इजी थी, बहुत आसान थी, बहुत टफ थी, तो लाइक कौन करेगा, पड़ोसी हैं, देखो आप लोगों के लिए बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, मैं चाहता तो बेटा सीरीज शुरू कर देता, सब मिक्सअप करके पढ़ाता और आपको लगता रे सर तो बहुत अच्छे हैं,
अपना काम वो नहीं है, अपना काम उन बच्चों को बेनिफिट देना है जो अभी फिलहाल के लिए प्लस कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते। ये देखो आप लोगों के लिए यार ये मेहनत की जा रही है। SBI PO क्लर्क की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, ये देखो पूरी प्लेलिस्ट है, ये देख रहे हो आप। स्पेशली मैंने अपनी टीम से बोल के आपके लिए कहा कि भैया सर इन सब लोगों के लिए प्लेलिस्ट बनाओ, है ना। अपना काम होता ना भाई तो मैं क्या करता, कुछ भी पढ़ा देता और रोज भी नहीं आता पढ़ाने। MWF में आता, TTS में जब मेरा मन होता आता पढ़ाने, कहता हटाओ छोड़ो यार क्या दिक्कत है। आप खुद बताओ मुझे, क्या आपके पास होने से मुझे कुछ फर्क पड़ता है? अभी इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन एक खुशी होती है यार कि कुछ लोगों के लिए हमने कुछ अलग किया। बताओ खुशी होती है एक दिल से। आप लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, इस प्लेलिस्ट को नोट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 इसमें आया नहीं मेरे ख्याल से, तो 7, 8, तो ऐसे करके 8 क्लासेस। उसके बाद अगर आप जो कहते हैं अर्थमेटिक, ये देखो भाई आपके अरुण सर ने आप लोगों के लिए भाई अर्थमेटिक और DI देख रहे हो, ये देखो अर्थमेटिक और DI, ये देखो प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2, प्रैक्टिस सेट 3, प्रैक्टिस सेट 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 सेशन मेरे अर्थमेटिक और DI के हैं। बताओ, बट सारे के सारे लोग एक काम करेंगे, चलो सबसे इजी टास्क कर देता हूं, अपनी अपनी प्रोफाइल फोटो चेंज कर दो, मेरी प्रोफाइल फोटो लगा देना, मेरी नहीं क्लास की प्रोफाइल फोटो, ये वाली क्लास की, ठीक है। चलो आ जाओ, पता चलेगा मुझे कितने लोगों के अंदर जो है डेडिकेशन है क्लास का। चलो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 10 आ जाओ। सब लोग क्लास की जो क्लास है उसकी फोटो लगा देंगे, चलो। ये टास्क बढ़िया है तुम लोगों के लिए। चलो या 30-35 सेकंड, इससे ऊपर मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, इससे ऊपर मत जाओ मेरे भाई, प्लीज सुन लो ध्यान से, समझ लो, आ जाओ। ये 15 का स्क्वायर 225 है, माइनस ब्रैकेट में ये 15 है और ये 10 है भाई, 15, 10, 150 और एक्स परसेंट ऑफ 300 इंटू एक्स, ठीक है। सीधा सीधा गेम है यार, इतना क्यों कंफ्यूजन करना, 3 से काटो, 3 से 50, 3 से 7, 3 से 5, 75 में से 50 गया। ये लीजिए उत्तर, बताइए पुत्र, ठीक है। मजा आ रहा है सबको समझने में, बेसिक है। देखो मैं आपसे कह रहा हूं, जितने लोगों ने भी मुझसे पढ़ाई करी है ना, उनके लिए एक रिविजन क्लास है कि हाँ भाई हमने रिविजन कर लिया, अप्रोक्सीमेशन अब हमारी जेब के अंदर आ गया, अब हमें सिर्फ मॉक लगाना है और स्पीड बढ़ानी है। उसके लिए मैं आप लोगों के लिए टेस्ट भी प्लान कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में भी आ रहा है। देखो कल संडे है तो मैं चाहूँ तो अपना आराम से रेस्ट करूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कल एक सेशन लगाने का स्पेशल पर, जहाँ पर पोल और रैंक सिस्टम होगा, टेस्ट, तो टेस्ट ऑन सिंप्लीफिकेशन, टेस्ट ऑन अप्रोक्सीमेशन कल मैं प्लान कर रहा हूँ, डोंट वरी, ठीक है। तो हो सकता है कि कल मैं आप लोगों को टेस्ट भी प्रोवाइड करूँ अनअकैडमी पर, ठीक है मेरे भाई। तो इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि मेरा देखो स्पेशली मकसद है, इस साल एक नौकरी आपको दिलवानी है। अभी हमने जब एक सेशन किया था, एक पेरेंट्स, उसकी मम्मी से हम बात कर रहे थे, तो बहुत खुशी होती है पता है। मतलब सोचिए, मतलब मैं एक छोटी सी कभी चीज़ सोचता हूँ कि जब हम कभी लाइफ में अपने आसपास के एनवायरनमेंट में बाहर निकलेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हमें देख के अच्छा फील करेंगे, तो वो काम ना अलग ही काम होता है। अपने लिए तो सब काम करते हैं। चलो नेक्स्ट, यूट्यूब पर कीजिए, अगर आप लोग कहोगे तो टेस्ट फिर मैं यूट्यूब पर भी कर लूँगा, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो टेस्ट यूट्यूब पर ही कर लेंगे, चलो वो आप लोग अभी डिसाइड करना कि क्या करना है। चलो आ जाओ, मैंने क्या कहा, ये हो गया 15 और ये हो गया 12, ठीक है। माइनस 10
इंटू 14, 15 और 12 180, 10 इंटू 14 140, आंसर आ गया 40। ये IBPS PO में आया हुआ सवाल है। अब आपको सर इतना इजी क्या करें भाई, आया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। चलो फटाफट से, आज ही मैं आपको नेक्स्ट वीक का शेड्यूल भी बता दूंगा फिर, डोंट वरी। और सारे लोग मेरी प्रोफाइल फोटो लगा लेना ठीक है अपने अपने उस पर। अब देखते हैं कितने लोग मेरी प्रोफाइल फोटो लगाते हैं और डेडिकेशन कितना उन लोगों का है। बहुत सही, इतना जल्दी तुम लोग अब आंसर देने लगे हो, मेरा दिल खुश हो रहा है। मेरा मन कर रहा है कि वाओ यार ये बच्चों एग्जाम क्रैक करेंगे, वाओ। 254 पता है 16 का होता है, 16 × 3 वाओ, 12% ऑफ 1200। कैलकुलेशन ना माइंड में होने लगी है, 12 × 12 = 144 और ये x इंटू 6, तो भाई क्या करेंगे, 16 × 3 = 48, 144 बराबर x इंटू 6, 6 से काटा 24, 6 × 8 = 24 और 8 = 32, ये रहा उत्तर। How's that? कमेंट फास्ट भाई, 254 को 56 ले सकते हैं यार, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त। चलो नेक्स्ट, जल्दी से आ जाओ, चलो शाबाश। देखो मैं पहले कोशिश क्या कर रहा हूं कि आपको पहले सेफ जोन में डालना चाहता हूं। जैसे अभी ये वाला स्पीड मैथ्स खत्म हो जाएगा, तो स्पीड मैथ्स खत्म होने के बाद आपके 10 से 15 नंबर आने लगेंगे। आप जब मेरा स्पीड मैथ्स खत्म कर लोगे तो मैथ में आपके 10 से 15 नंबर आने लगेंगे। फिर जब मैं DI भी खत्म करा दूंगा तो नियर अबाउट बच्चा 20 तक पहुंच जाएगा। इसलिए मैंने कोशिश मेरी, पहले देखो मैंने क्या किया है कि पहले स्पीड मैथ्स करो, फिर DI करो, फिर अर्थमेटिक। और अर्थमेटिक को भी मैं ये कहूंगा कि आप कुछ गुच्छों में बना के करो, कि हमने पहला गुच्छा टारगेट किया टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम की, दो ही है इसमें टॉपिक। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अर्थमेटिक कहीं से भी पढ़ाऊंगा आपकी बार मैं अर्थमेटिक ऐसे पढ़ाऊंगा लाइक इंडिपेंडेंट टॉपिक। इंडिपेंडेंट टॉपिक क्या होता है कि जिस टॉपिक को पढ़ने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ एक टॉपिक है जिसका नाम है बोटन स्ट्रीम, एक टॉपिक है जिसका नाम है मेंसुरेशन पढ़ने के लिए किसी और टॉपिक की जरूरत नहीं है। तो हम पहले उन टॉपिक को तैयार करेंगे आपकी बार जो इंडिपेंडेंट टॉपिक है, जिसका किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। हम हर बार की तरह परसेंटेज से शुरू नहीं करेंगे, हम शुरू करेंगे इंडिपेंडेंट टॉपिक के साथ। इंडिपेंडेंट टॉपिक कौन से, लाइक मैं मेंसुरेशन पढ़ रहा हूं तो मेंसुरेशन पढ़ने के लिए मुझे परसेंटेज आना इतना जरूरी नहीं है, ठीक है। चलो 20% 105 35% 1800 आ जाओ। 20 से मैंने काटा 5, 5 × 2 = 10, 5 × 1 = 5, 0 से 0। अब इसको मल्टीप्लाई 18 × 3 = 54, 18 × 5 = 90, 630, तो 651 ये रहा। डन। तो टाइम एंड डिस्टेंस जैसे कि बोल रहे हैं अर्थार्थ, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं। इस बार मैं प्रॉफिट लॉस जो शुरू नहीं करूंगा कि परसेंटेज, वो टॉपिक शुरू करूंगा अर्थमेटिक में जो सबसे बड़ी समस्या, लाइक स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस करवाऊंगा, उन्हीं को चिंता मत करो। नेक्स्ट आ जाओ, चलो क्वेश्चन नंबर 14। भारत भूषण कह रहे सर सॉल्व 50% बाय माइंड। अच्छी बात है, यही मैं चाहता हूं कि 50% सवाल आप माइंड में कैलकुलेट कर लो। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा ट्रिकी लग रहा है, लेंथी लग रहा है, बट है नहीं। था तो वैसे ओरल, बट फिर भी देखते हैं। देखो ये 21% है, ये 4200 है, तो इंटू 42 हो जाएगा, हाँ या ना बोलो। देखो ये 21 है, 4100 मतलब 4200 हो जाएगा परसेंट 2 माइनस, ये भी 42 है और परसेंटेज 20 काटेगा तो 21। तो आप देखोगे ये सेम ही चीज़ तो है, तो ये तो अपने आप ही कट गए, कुछ करने की जरूरत नहीं रही। अब इसको देखो,
12 पंजे 60 हो गया इज इक्वल टू एक्स परसेंट ऑफ 240 सी। ध्यान से देखना, अच्छा सवाल है। तो 0 से 0 ठीक है, और किससे काट लो, 6 से 10 बार, 6 से 4 बार, तो दिस बिकम्स 100 बाई 4। तो काफी लोगों ने शायद माइंड में ये वाला पार्ट जो था ना स्टार्टिंग का पार्ट, ये आपस में कैंसिल आउट हो रहा था, इस वजह से क्वेश्चन आपको मुझे लगता है कि जल्दी बन गया होगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन में ऐसा कुछ अलग नहीं था कि जो हमने इसमें कुछ अलग काम किया हो, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी है। डन। एक एक शेयर तो बनता है यार, शेयर कर दो यार, देखो गलत बात है, आप सब लोग पहले अपने अपने फेसबुक पे एक बार शेयर करो, फेसबुक तो चलाते हो ना, तो एक बार फेसबुक पे शेयर करो, फटाफट से शेयर करो जितने भी लोग हैं। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन फटाफट शेयर करो। हो गया, आ जाओ। ये है 24, ये है 21, 30% 30 70, ये देखो बराबर में x प्लस 284 सी। 0 0, 7 3 21 कॉमन ले लो, तो ये बात 24 में से एक गया, फर्दर 23 ओरल कर दो, 21 इंटू 23 ठीक है, माइनस का 284 इधर आ जाएगा, बराबर में एक्स हो जाएगा। देखो 3 एकम, अब देखो 21 दूनी 42, 21 तीन 63, तो 483 माइनस 284, 13 में से लमसम 200 का डिफरेंस है, 200 मतलब 199। गॉट इट, लाइक कर दो एक बार फटाफट से वीडियो, उसको सर समझ में आ रहा है ना। तो अभी तक के अप्रोक्सीमेशन मुझे लगता नहीं कि एग्जाम में, अब बस आपको ध्यान रखना है एग्जाम में ये लिखा हुआ पढ़ना है कि वट अप्रोक्सीमेट वैल्यू विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो जहां पर भी ऐसा लिखा है कि वट अप्रोक्सीमेट वैल्यू विल कम, तो ध्यान रखो कि द क्वेश्चन इज फ्रॉम अप्रोक्सीमेशन, और अप्रोक्सीमेशन में कुछ नहीं करना है, जो काम अब तक किया है वही काम आपको मेरे साथ करना है। चलिए एक और सवाल जो मचाएगा थोड़ा सा बवाल, चलो भाई शुरू हो जाओ बिना पेन पेपर के। 51 का स्क्वायर 36 का स्क्वायर डिवाइड बाई 9। अब थोड़े बहुत स्क्वायर भी याद है तो काम हो ही जाएगा। सॉरी, हो गया ना, काफी टाइम ले लिया आप लोगों ने, बस टाइम थोड़ा ज्यादा ले लिया कि स्क्वायर फंस गया, स्क्वायर याद नहीं है। 51 का स्क्वायर आपको याद होगा, 50 से ज्यादा, 1 का स्क्वायर 01, 25 और 1 26, 36 का स्क्वायर 1296, 6 और 1 7 9, 6 2 8 2 और 1 3 एंड दिस डिवाइड बाई 9, तो 9 चौको 36, 29, 9 3 27, 9 3 27 433 हो गया, 433 यहाँ माइनस कर लो, 10 में से 3 गया 7, 5 में से 3 गया 2, 27 बराबर रूट एक्स, और आप जानते हो 27 का स्क्वायर 739। तो ऐसा नहीं था कि टफ था, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। स्क्वायर क्यों थोड़े से मैं आपको बोल रहा हूँ कि डेली बेसिस पे याद कर लो, निकालने का ट्रिक मैंने सिखा रखा है आप लोगों को, बट फिर भी अगर याद हो जाएगा तो आसान हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 17 आ जाओ। भारत भूषण में कोई कह रहे हैं कि सर माय सन हैज चूजन यू
एज अ मैथ्स टीचर आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च ऑन यूट्यूब ही इज अ डॉक्टर प्रिपेयरिंग फॉर नीट पीजी। ओके थैंक यू सर। तो जितने भी लोग हैं देखो मेरा बस यही कहना है कि बेसिक फंडामेंटल्स अपने स्ट्रांग करो, है ना। कंपटीशन कोई भी हो, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, फंडामेंटल्स आपके स्ट्रांग होते हैं तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। आ जाओ अब आप देखेंगे 1600 डिवाइड में रूट एक्स इंटू 54 फर्दर डिवाइड में 1/20 बराबर 1/44। अभी देखो मेरा भी यही कहना है कि अपने लाइफ के टास्क लीजिए खुद से, रुकिए मत, है ना। तो लाइफ के टास्क लीजिए खुद से, आगे बढ़ने की कोशिश करिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपके फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए, आपका गोल क्लियर होना चाहिए, आपको लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये दो चीज़ें अगर आपके पास हैं तो लाइफ में आपको कभी रिग्रेट फील नहीं होगा, आप लाइफ में अच्छा करेंगे। जिसके गोल क्लियर नहीं है, फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, वो आदमी बहुत परेशान होता है। सी तो 20 से मैंने पूरा पूरा काट दिया, 80 बार चला गया, ठीक है। अब देखो 16 से 5 बार, 16 से 9 बार, 9 6 जा 54, तो 6 पंजे 30 बराबर रूट एक्स, दैट बिकम्स 900। सही है, हाउस दैट। तो जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बस डेली बेसिस पे आपको नोट्स बनाने हैं, डेली बेसिस पे आपको रिवाइज करना है। मेरा मकसद यही है कि जितने भी हमारे साथ के लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो सब डेली बेसिस पे पेन पेपर पे नोट्स बनाइए। अभी बहुत जल्दी मैं भी आपको एक नया सब्जेक्ट पढ़ाने की कोशिश करूँगा बहुत जल्दी, तो मैं भी देखो एक एग्ज़ाम्स को प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो शायद बहुत जल्दी उसको क्रैक कर लूँगा। तो अभी मेरा बस आप लोगों से यही कहना, जितने भी लोग यहाँ पर बने हुए हैं, कि सारे के सारे लोग अपनी लाइफ में गोल सेट करते हुए चलिए, है ना। जैसे आज आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, मैं आपसे कहूँगा बैंक की तैयारी करने के बाद आप रुक मत जाइएगा, जस्ट प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। तो टाइम टू टाइम आप देखते चलिए कि मैं अपने आप को कैसे बेहतर बनाऊं। मेरा हमेशा एक ही चीज का मोटिवेशन है कि ऑलवेज इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। जब तक कोई चीज नहीं हो जाती तब तक ही वो असंभव है। सही है मेरा भाई। और हमेशा सकारात्मक सोचिए, क्योंकि देखो दोस्तों आप में से काफी सारे लोग आज बैंक की तैयारी कर रहे हैं। बैंक की तैयारी करने के बाद मैंने देखा है 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल बैंक की तैयारी कर रहे हैं। अरे भाई 2-2 साल बैंक की तैयारी, इसका मतलब आपका मेंटर सही नहीं या फिर आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है। 6-6 महीने, साल साल भर में नौकरी लेके आगे बढ़ जाओ। देखो मेरे साथ जितने भी लोग जुड़ते हैं मैं कोशिश करता हूँ कि 1-1.5 साल में उनको, 1-1.5 साल में उनको कहूँ कि भाई नौकरी लेके आगे बढ़ो। अगर आपको 6 महीने साल भर है तो ठीक है बैंक एग्जाम, अगर 2-3 साल है देन गो फॉर यूपीएससी। क्यों, गलत तो नहीं कह रहा हूं बताओ। अगर आपके घर वाले बोलते हैं कि बेटा 4 साल में नौकरी लेनी है तो जस्ट गो फॉर यूपीएससी। 2 साल का सिलेबस है, 2 साल तैयारी, 4 साल में निकल जाएगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं। चलो जब मैंने बैंक तैयार किया था आई डिड इन जस्ट 6-8 मंथ्स, बट मैं कभी कहता नहीं हूँ कि नहीं ये वो सब बेकार की बातें यार, किसी का फर्क नहीं पड़ता। आपके टीचर का आपका पढ़ाया हुआ समझ मारा उतना ही ठीक है आपके लिए बस। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अच्छा है। थोड़ा सा देखने में लेंथी बट आसान है मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में, बहुत कुछ खास बात नहीं है। देखिए आपने क्या देखा, 40% ऑफ 900 तो 9 × 36 360 प्लस ये 100 है, 100 × 7 = 700। अब आप देखेंगे तो ये डिवाइड में 14 भी चल रहा है, ये ऐसे ही फिर डिवाइड में 14 प्लस आप देखेंगे x और परसेंटेज 20 काट देंगे 70 70 4900 सीधा सी क्वेश्चन था। 14 × 70 365 घटा दो तो लास्ट में 35 आ जाएगा, 48 में से 3 गया 45, 45 35 ये रहा। है कुछ गड़बड़ हो गया क्या भाई,
700 हो गया ना ये, 14 से डिवाइड किया 14, अरे ये 50 होना था सॉरी 410, तो ये 90, 48 में से 4 गया 44, 90, ठीक डन हो जाएगा सर, आज के बाद दिक्कत तो नहीं आएगी। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 19, देन फटाफट से बनाइए। अप्रॉक्सीमेट है 7 का क्यूब 343, 12 का स्क्वायर तो 12 × 12 कर लो 2401, ये 2401 किसका होता है अगर आपने पढ़ा हो तो 49 का, शायद मैंने पढ़ा है नहीं 49 का ही नहीं, हाँ 49 का ही पढ़ा है शायद क्या, हाँ 49 का ही पढ़ा है, 49 है ना, और दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और ये पूरा पूरा 7 बार चला गया कितना हो जाएगा 12 × 12 = 144 × 7, 728, कुछ गड़बड़ लग रहा मुझे यार, 7 का क्यूब 12, तो अप्रोक्सीमेट गड़बड़ आ रहा ना, एक्स क्यूब है ये, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 1008 आ रहा है, सॉरी सही तो है यार, मेरा दिमाग भी वही, मैं भूल गया, मैं सोच रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ, ठीक है ठीक है, जस्ट आई फॉरगेट कि मैं सिंप्लीफिकेशन सॉल्व कर रहा हूँ, आई थॉट कि मैं सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेशन अप्रॉक्स में लेना है, ठीक है डन। चलो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखने में अच्छा है बट हलवा है वैसे तो मेरे हिसाब से, मैं बता देता हूँ क्या चल रहा है, देखो 196 तीन बार है तो 196 का क्यूब है, सॉरी 4 बार है, इंटू 4 4 5 5 बराबर 196 की पावर 4 है, देन 4 × x। अगले स्टेप में आंसर, जो क्वेश्चन देखने में जितना बड़ा है उतना ही टफ है, इतना इजी है, ये देखो 4 से 4 1 हो गया, ठीक है तो अब क्या दिखाई दे रहा है, 4 की पावर 1, 5 की पावर 2, 25 25 × 100, ठीक है, अच्छा सवाल था, बोलो हाँ भाई अच्छा सवाल था कि नहीं था। चलो तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ भाई, ठीक है, और अगर सेशन अच्छा लगा तो एक काम कर रहे हैं, अब अगले वीक का शेड्यूल भी मैं आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है, वेट अ वाइल, 5 मिनट है हमारे पास, एक सेशन अभी एड ऑन कर रहा हूँ नेक्स्ट वीक का शेड्यूल, रुक जाओ एक मिनट, रुको भाई एक मिनट रुको, आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड है अगले वीक का शेड्यूल जानने के लिए, सब लोग इंटरेस्टेड हैं, ठीक है एक मिनट रुको, मैं एक शेड्यूल अभी इवेंट बना दे रहा हूँ, रुक जाओ एक मिनट रुको भाई, इवेंट बना दे रहा हूँ, इतने में बाकी लोगों के लिए एक सवाल है, चलो ट्राई करेंगे, बाकी लोग एक सवाल ट्राई करो, एक मिनट, आ जाओ फटाफट से आ जाओ, मैं आपको लिंक दे रहा हूं, रुक जाओ एक मिनट, वेट करो वेट करो वेट करो, एक मिनट बस, एक मिनट बेटा,
हाँ हो गया ये वाला सवाल सॉल्व, सबका हो गया। डन, कमेंट फास्ट कमेंट फास्ट। चलो एक इवेंट लगा रहा हूं आप लोगों के लिए, बाकी इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, अप्रोक्सीमेशन, दिस बिकम्स 90 और दिस बिकम 24 माइनस 112 इंटू 18 और प्लस 481। कर लिया आप लोगों ने, कर लिया होगा, वैसे तो बहुत मुश्किल था नहीं, थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पर मैटर कर रही थी जो मैं देख रहा था बच्चों की, है ना, कैलकुलेशन थोड़ी सी मैटर कर रही थी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। अगर आप ध्यान से देखो, ये देखो, 9 चौको 36, 9 दुनी 18 और 3 2160, 1112 का 10 गुना 1120 प्लस 12 अटे 96 896, देखो 6 9 2 11 19 और 1 20, ये देखो प्लस 481। अगले स्टेप में आंसर, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 1 गया 4, 481, 4 और 1 5, 8 4 12, 525 आ रहा है ये तो, और ये 1 भी तो आएगा, सॉरी 144, 625 मान कीजिएगा। तो 625 बेसिकली आपको मिला अंडर रूट में, तो दिस बिकम्स 25। अब देखो ऑप्शंस कैसे बनाने, ऑप्शन देखना ठीक है, क्या मल्टीपल ऑफ 5 है, बिल्कुल सही बात है, क्या मल्टीपल ऑफ 3 है, गलत हो गया, मल्टीपल ऑफ 7 है, गलत हो गया, मल्टीपल ऑफ 4 है, गलत हो गया, नन ऑफ दिस तो है नहीं, तो आंसर है ए ऑप्शन, सही है मेरे भाई, हाउ्स दैट। चलो तो एक बार फटाफट से सब लोग आ जाओ, मैं लिंक आपको दे रहा हूं दूसरा, तो वहां पर आप आ जाओ फटाफट से, बस मुझे आपके हार्डली 5 मिनट चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। शेड्यूल एक बार देख लो मेरे साथ कि शेड्यूल बेसिकली क्या रहने वाला है, आ जाओ ठीक है। मैं उसको इसी में शेड्यूल चाहूँ तो मैं इसी में बता दूँ, बट फिर होता क्या है ना, प्रॉब्लम जो आएगी वो ये आएगी कि जो बाद में ऑफलाइन देखते हैं उनको एक अलग ही वीडियो मिल जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा, एक घंटा वेट नहीं करना पड़ेगा। चलो फटाफट से आ जाओ इस वाले वीडियो पे, लिंक पे क्लिक करो, मैं इसे बंद कर रहा हूँ। चलो ठीक है, बाय बाय। हेलो एवरीवन, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि सर अनअकैडमी पर अपने बारे में कुछ बताइए, अपने कोर्स के बारे में कुछ बताइए। तो जो लोग अनअकैडमी पर मेरे बारे में, मेरे कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, 2 मिनट रुकिए, सारे की शॉर्ट वीडियोस में मैं आपको समझा दूंगा। मेरा नाम है अरुण सिंह रावत, अनअकैडमी पर मैं पढ़ाता हूं, टॉप बैंकिंग क्वांट एजुकेटर, आप मैं मैथ्स पढ़ाता हूं अनअकैडमी पर, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और कैसे आपको जुड़ना है वो भी मैं समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मेरे साथ मेरी टीम है जो काम करती है अनअकैडमी पर, आप लोगों के लिए बेस्ट बैंकिंग टीम है टीम एवीपी, इसके बारे में आपने सुना होगा, बहुत बच्चों ने बताया होगा। तो टीम एवीपी में अभिजीत सर पढ़ाते हैं, जीए विशाल सर, पुनीत सर, मैं, 4 लोग मिलकर 4 सब्जेक्ट बैंकिंग के कवर करते हैं। ये सारे के सारे आपको मिल जाते हैं सिंगल सब्सक्रिप्शन में, एक सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको 4 एजुकेटर की क्लास मिल जाएगी, क्योंकि बैंक एग्जाम्स के प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो जितना जल्दी हो सके आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अभी फिलहाल आप देखेंगे 1 साल का सब्सक्रिप्शन 6,500 रुपये है, तो इसकी फीस बढ़ने वाली है 7,150, तो हर फीस में बढ़ोतरी होने वाली है। जितना जल्दी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं ले लीजिए। कैसे आपको सब्सक्राइब करना है वो मैं आपको बताऊंगा। सब्सक्रिप्शन 2 तरीके का होता है, पहला होता है प्लस सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको ऑल एजुकेटर्स मिल जाएंगे, सबकी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड पीडीएफ नोट्स, एवरीथिंग यू विल गेट। दूसरा होता है आइकनिक। आइकनिक सब्सक्रिप्शन में आपको क्या मिलेगा, आइकनिक सब्सक्रिप्शन में आपको सबसे पहले प्रायोरिटी मिलेगी एजुकेटर से बात करने की, कि अगर मान लीजिए हैंडरेस का एक फीचर है अकेडमी के पास है, आपने हैंडरेस किया, आइकनिक ने हैंडरेस किया, तो आइकनिक वाले को पहले इंपॉर्टेंस दी जाएगी, तो उसकी फीस थोड़ी सी ज्यादा भी होती है। तो 2 तरह के सब्सक्रिप्शन है, प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकनिक सब्सक्रिप्शन, आप कोई सा भी ले सकते हैं। रेफरल कोड आपको यही इस्तेमाल करना है AVP10 डिस्काउंट के लिए, डिस्काउंट आपको 10 से 20% तक का मिल जाएगा। कैसे आप एक्सेस करेंगे, लर्निंग ऐप इंस्टॉल करेंगे, नंबर डाल के लॉग इन कर लेंगे, मेरा नाम फॉलो करेंगे अरुण सिंह रावत, यहीं पर आपको मेरी क्लास मिलेगी, बैचेस मिलेंगे मेरी फ्री क्लास। तो बैचेस आपको बता दिया मैंने कैसे मिलेंगे, ये फ्री क्लास आपको कब मिलेगी, ये फ्री क्लास आपको मेरी मिलेगी रोज शाम 7 बजे, जी हाँ शाम 7 बजे अनअकैडमी पर मेरी रोज फ्री क्लास होती है। इस कोड को लगा के आ जाना, ये फ्री क्लास है मंडे टू सैटरडे रोज शाम।